महाराष्ट्र में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईडी एनसीपी नेताओं के खेल को पर्दाफाश करने में लगी है। शरद पवार की पार्टी के अब चौथे नेता को ईडी ने अपने शिकंजे में लिया है। नवाब मलिक के बाद ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री प्रोजेक्ट तानपुरे और अन्य की करीब 94 एकड़ जमीन कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में कुर्की है। तानपुरे के पास कई मंत्रालय है और ईडी इनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ये मामला बैंक के उस समय के अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अपने रिश्तेदारों और कुछ लोगों को सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच देने के आरोप से संबंधित है। ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज मामले के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने ये प्राथमिकी बम्बई हाईकोर्ट के 22 अगस्त 2019 के आदेश के आधार पर दर्ज की, जिसमें महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बेचने में कथित जालसाजी के आरोपों की जांच करने को कहा गया था। वहीं ईडी ने बताया कि कुर्क की गई जमीन की कुल कीमत 13.41 करोड़ रुपए है। वहीं ईडी द्वारा कुर्क की गई जमीन के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और बीजेपी आमने सामने है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई महाराष्ट्र के मंत्रियों के ऊपर लगातार जारी है। हाल ही में आघाड़ी के तीसरे नेता तानपुरे हैं जिन पर जांच एजेंसियों ने हाथ डाला है। वहीं अभी तक एनसीपी और शिवसेना के कई नेताओं से भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक का है। मलिक के ऊपर डी कंपनी से लेन देन के आरोप लगे हैं। इसके अलावा मलिक के ऊपर दाऊद इब्राहिम की बहन से जमीन खरीदने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।